अपना MLA का चुनाव लड़ा, आज उससे भी कहीं ज्यादा उत्साह बाजार वासियों का, शहर वासियों को दिखाई देने को मिला। माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है कि एक केंद्र में सरकार भाजपा की है, प्रदेश में सरकार भाजपा की। सोहना में चल रहे निकाय चुनाव प्रचार समापन के आखिरी दिन बीजेपी चेयरपर्सन उम्मीदवार अंजू देवी ने सोहना में रोड शो निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी चेयरपर्सन द्वारा निकाले गए रोड शो में उमड़े जनसैलाब को देखकर विपक्षी उम्मीदवारों के होश उड़ गए। सोहना में बीजेपी ने चेयरपर्सन पद पर पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष अंजू देवी को अपना उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। अंजू देवी के प्रचार के लिए बीजेपी के तमाम नेताओं ने जमकर प्रचार किया। प्रचार के आखिरी दिन निकाली गई चुनावी रैली में सोहना मतदाताओं की भारी भीड़ ने भाग लिया। रैली शहर की मुख्य बाजारों से निकाली गई। बीजेपी चेयरपर्सन उम्मीदवार का बाजार में व्यापारियों व अनेक संगठनों ने अपना समर्थन दिया। वहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी बात ये रही कि निर्दलीय चेयरपर्सन उम्मीदवार उषा बागड़ी ने भी आज अपना समर्थन बीजेपी उम्मीदवार को देकर चुनाव को एक तरफा कर दिया। सोहना के विधायक कंवर संजय सिंह व जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी चेयरपर्सन उम्मीदवार की सोहना में भारी मतों से जीत होगी। आज जो सभी हमारे जो सोहना नगर परिषद के सभी वार्डो से मैं समझता हूँ बहुत भारी संख्या में जो आज रोड शो हुआ, उनके लिए मैं सभी वार्ड वासियों का, नगर परिषद के सभी साथियों का, नगर परिषद में मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ख़ासतौर से शहर वासियों में, क्योंकि जब यात्रा कर रही थी तो एक बाजार का जो हुनूम, बाजार को जो प्यार जो देखने को मिला, और मैं अच्छी तरह याद है जब इस टाइम में अपना MLA का चुनाव लड़ा, आज उससे भी कहीं ज़्यादा उत्साह बाजार वासियों का, शहर वासियों को दिखाई देने को मिला। और एक मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है उससे खुश होकर सारे शहर के लोग बड़े गदगद थे और बहुत अच्छा स्वागत किया। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के अंजू देवी जी यहाँ से विजय होंगे। माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है कि एक केंद्र में सरकार भाजपा की है, प्रदेश में सरकार भाजपा की है, सोना में भी विकास का इंजन चलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और निगम हमारे नगर परिषद की चेयरमैन अंजू देवी जीतेंगी। और आज सबसे खुशी की बात ये है कि उषा बागड़ी जी ने अपना समर्थन हमें दिया है और हम और मजबूत हुए उनके साथ जुड़ने से। एक परिवार जो भाजपा का पहले परिवार था और फिर लौट चले वाला आज विषय था, जब वो हमारे साथ फिर से जुड़ी हैं और उनके साथ पूरा जन समर्थन जो था वो आज हमें समर्थन देखे गए। बीजेपी चेयरपर्सन उम्मीदवार को समर्थन देने वाली निर्दलीय उम्मीदवार उषा बागड़ी ने बीजेपी में शामिल होने के बाद पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं पिछले 30 सालों से विधायक व बीजेपी से जुड़ी हुई हूं, जिसके चलते मैंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज बीजेपी चेयरपर्सन उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया है। साथ ही लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील भी की है। अभी पहले से ही था, हमारे तो 30 साल से संबंध रहे हैं भाजपा से और भाई संजय जी से। अब इनके बुलावे पे और कक्कड़ जी और विपुल जी के बुलावे पर हम दोबारा यहाँ पर आए। बीजेपी में शामिल हुए उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि उषा बागड़ी ने बीजेपी में शामिल होकर आ अब लौट चले वाली कहावत को दोहराया है, जिससे बीजेपी को और मजबूती मिली है। बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं के शामिल होने पर बीजेपी का कुनबा और बड़ा हुआ है, जिससे बीजेपी के उम्मीदवार और भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। लेकिन यहां तो आने वाली 22 तारीख को ही स्पष्ट होगा कि बीजेपी पार्टी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों से बीजेपी उम्मीदवार को कितना फायदा मिला है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।